दीदी इस बार भी अभी सामान एकदम खराब आ गया है। अपन भी में फिर इस बार खरीदारी हो गलो गेहूँ चावल के, आप पता भी ना चल लो कि हाँ कहा ना खरीदारी हो तो कोई निर्णय लिया लो ना कुछ हो लो, पता ना चलो खरीदारी हो गलो। हाँ ये बात तो है कि ग्राम संगठन में जब खरीदारी होता है दीदी तब कुछ तो पता होना चाहिए। कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता चलता, ना खरीदारी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। मेरा नाम आशा है दीदी, आप लोग का ग्राम संगठन का नाम बोलते हुए सुना इसलिए मैं रुक गई। मैं भूई ग्राम संगठन के अध्यक्ष हूँ, आप लोग का कोई परेशानी चल रहा है का दीदी? क्या बताएं दीदी, हम बहुत इसलिए परेशान है कि हमको ग्राम संगठन में दीदी चावल गेहूँ खरीदाता है तो हमको पता भी ना चलता है और उसका क्वालिटी भी अच्छा ना रहता है दीदी, खराब खराब खरीदारी हो जाता है। अच्छा दीदी एक काम तो कमेटी का है ना ग्राम संगठन का। कमेटी क्या होता है दीदी? हर ग्राम संगठन में कमेटी होती है दीदी खरीद बिक्री, उसका काम है हर दुकान से जाकर कोटेशन लाना। पर हमारे ग्राम संगठन में तो खरीदारी कमेटी है ये नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है, सोमवार को हमारे ग्राम संगठन में बैठक है उसमें आप आइए, इसका सारा प्रक्रिया समझा दूंगी। ठीक है दीदी, हम लोग सोमवार को आते हैं ग्राम संगठन के मीटिंग में। ठीक है दीदी आइएगा आप लोग। प्रणाम दीदी। मैं चलता हूं। प्रणाम दीदी। लाने जाइएगा ना। हाँ हाँ दीदी जाएंगे लाने के लिए। देखिए दीदी ऐसा दीदी हम चारों दीदी जाएंगे चार दुकान से कोटेशन लाने के लिए। और कौन रेट से गेहूँ मिलता है, किस रेट से चावल मिलता है? प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी आइए दीदी बैठिए। प्रणाम दीदी मैं प्रगति ग्राम संगठन के अध्यक्ष हूँ, ये सब हमारे ग्राम संगठन के सदस्य हैं, आइए आप लोग को ये सबसे परिचय करा देते हैं। सभी दीदी जी को प्रणाम, मैं सरिता कुमारी हूँ और मैं केसरी गांव से आई हूँ। सभी दीदी को प्रणाम, मेरा नाम मरुण देवी है, मैं केसरी गांव से आई हूँ। सभी दीदी जी को प्रणाम, मेरा नाम सीमा कुमारी है, मैं केसरी गांव से आई हूँ। सभी दीदी को प्रणाम, मेरा नाम माला देवी है, मैं केसरी गांव से आई हूँ। देखो दीदी अपना ग्राम संगठन में ये चारों दीदी एल्थिने सीखे लगी कि भीओ में कैसे खरीदारी होवा है। हाँ दीदी बहुत अच्छा समय पर एलो, हमारे ग्राम संगठन में अभी खरीद बिक्री होवे जा रहा है। देखो दीदी खरीद बिक्री हमारे ग्राम संगठन कुछ भी होवा है तो ओकर एक प्रक्रिया होवा है। हमारे ग्राम संगठन मान लो 2 साल से अधिक हो गए है, ओकरा में एक कमेटी मान ले खरीद बिक्री के, ओकरा में 4 सदस्य थे। हमारे भीओ में कोई भी सामान खरीदल जाए तो चारों दीदी जाते हैं, 4 दुकान से कोटेशन लेके आवा थे। ये बताओ आशा दीदी कि खरीद बिक्री कमेटी में कितने सदस्य रहें और उनका काम कौची रहा है? एकदम सही प्रश्न पूछल हुआ, कोई भी कमेटी बना है तो 4 से 5 सदस्य के बना है, जैसे कि हमारे ग्राम संगठन में 4 सदस्य खरीद बिक्री के बनल थे। खरीद बिक्री कमेटी के यही काम है कि 4 दुकान उन सब जाते ना, 4 दुकान से रेट पता करके और ओकर नमूना लेके आवा थे। जैसे कि आज गेहूँ और चावल खरीद बिक्री पर चर्चा चल रही है। देखिए दीदी ये चारों दीदी हैं हमारे खरीद बिक्री कमेटी में, आज जा रहे हैं दुकान 4 दुकान से कोटेशन लाने के लिए। आया सा दीदी ये बताओ कि कोटेशन के मतलब क्या हुआ है? कोटेशन के मतलब हुआ है माला दीदी कि एक वहाँ पर्ची मिला है और दीदी 3-4 दुकान जाते ना ओकरा में दाम कम बेसी होवा जो लिख रहा है। अभी आप लोग निकले ना दीदी? ठीक है दीदी, ये दीदी जा रहे हैं कोटेशन लाने के लिए, आप लोग भी जाके सीख लीजिए। अच्छा दीदी हम ठीक है दीदी, हम लोग जाते हैं, हम भी सीख लें। ठीक है दीदी आज की मीटिंग बैठक यहीं पर समाप्त कर रही हो, अब काले खानी कोटेशन लेके आई थी तब फिर चर्चा हो तो। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। क्या मंसूरी चावल है भैया आपके पास? हाँ दीदी है। इसका क्या रेट है भैया? 1 किलो 15 रुपए का है। थोड़ा सा नमूना और कोटेशन दे दीजिएगा भैया। नमूना दे देता हूँ, कोटेशन भी दे देता हूँ। चावल
सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, कल गेलु हाल उस संबंध के साथ कोटेशन लावे में। हाँ दीदी, हम लोग चारों दीदी गए थे कमिटी दीदी के साथ देखने। हाँ दीदी, गेलु तो कैसा लगलो, कुछ सिखा लो वहाँ? हाँ दीदी, चारों दीदी के साथ गए लिए तब खाने हमरा अच्छा लगले, कोटेशन लावले की हम हूँ सिखा लिए। हाँ दीदी, चार कोटेशन तो दुकान से आ गए लाए, लेकिन चारों के चार रेट है, ता आगे का करना है एकरा दीदी? हाँ दीदी, एकर प्रक्रिया आगे का है जब कुसुम देवी समझे थे। देखो दीदी, कोटेशन जब लावा ही है ता कौन रेट में कौन चावल है जो लावा ही है ता दीदी के दिखावा ही है, और दिखाईला के बाद दीदी का जो पसंद हुआ है वो चावल हम खरीद के लावा ही है। कल चार दुकान में हम गए लिए, चार दुकान से नमूना लेके लिए चावल और गेहूं, और चारों के रेट मालूम करके लेके लिए हैं। चावल और कोटेशन रेट मालूम करके ले लिए है, और संगठन के दीदी कौन चावल खरीदथिन, कौन रेट में खरीदथिन, जे संगठन के दीदी तय करथिन। अच्छा कुसुम दीदी, कोटेशन लेवे कैलू हल तो नमूना कह ले लैलू, ऐसे भी तो हम रेट कोटेशन के आधार पर रेट दे करके खरीदारी कर सक हलिए। सही सवाल पूछे सरिता दीदी। देखिए दीदी, कोटेशन तो हम ले आए हैं, बिना देखे हुए चावल कैसे हम तय कर ली कि कौन दुकान का अच्छा चावल है या खराब है? ये बात तो है, इसीलिए दीदी कोटेशन के साथ नमूना लेके आते हैं। अच्छा दीदी, लावा तो कोटेशन थोड़ा हम देखे। अच्छा दीदी, ये देही। 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 अच्छा ला। अभी दो नंबर ले रखो, तीन वाला। लगा है कि दे रामू चाचा के दुकान वाला चावल सस्ता है, 15 रुपए किलो है। हाँ दीदी, ठीक है। और गेहूँ राजू के दुकान के है 12 रुपए किलो। रेट बात बताए के लो दीदी, बाकी ना मुनमो देख ले कि कौन दुकान के कैसा है। हाँ ये बात तो सही है दीदी, लाइए दीदी दिखाइए सभी नमूना दीदी को। आइए दीदी, नमूना देख लीजिए। देख लीजिए। देखिए दीदी, ये रामू चाचा के दुकान का चावल सस्ता है, ये राजू का गेहूं सस्ता है। ये वाला चावल तो ठीक लग रहा है, ये दुकान वाला। हाँ दीदी, ये राजेंद्र जी के दुकान का गेहूं सस्ता है, ये भी खरीदना चाहिए। हाँ दीदी, सब दीदी के यही पसंद है तो यही की नहीं थे। अंजू दीदी, मिनट्स में लिख दीजिए। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आज हम सभी दीदी ने निर्णय लिए चावल गेहूँ खरीदने के लिए, ठीक उसी तरह ग्राम संगठन में जो भी सामान आती है, जैसे कि अलमीरा, रजिस्टर, चेयर, हर एक सामान का कोटेशन लेके हमारे खरीद बिक्री कमेटी लाते हैं, उसके बाद हम लोग निर्णय लेते हैं कि कौन सामान किनना है। अच्छा बताइए दीदी, कमेटी बनाते वक्त किन किन बातों पर हम लोग को ध्यान रखना जरूरी है? देखिए दीदी, जब खरीदारी कमेटी आप लोग बनाएगा तो कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा। खरीदारी के लिए समूह में जुड़ना जरूरी है, खरीदारी के लिए खरीदारी कमेटी का मेंबर होना आवश्यक है। तीसरी बात, ग्राम संगठन में कोई भी चीज खरीदा जाए दीदी तो आपसी सहमति होना जरूरी है। ठीक है दीदी। चौथी और आखिरी बार दीदी, खरीदारी के लिए मूल निर्धारित पत्र यानी कोटेशन का होना जरूरी है। ठीक है दीदी, कमेटी बनाने वक्त इन चारों बातों पर ध्यान रखेंगे। ये तो अच्छा प्रक्रिया आज सीखे दीदी आपकी ग्राम संगठन में, इसी तरह हम भी अपने ग्राम संगठन में जाके खरीदारी कमेटी बनाएंगे और इसी प्रक्रिया के अनुसार से हम भी खरीद बिक्री करवाएंगे। ठीक है दीदी, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप हमारे ग्राम संगठन में आए और कुछ सीखने का कोशिश किए। ठीक है दीदी, आज मीटिंग यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दीदी।